दोस्तों, ये कहानी दो ब्रह्मचर्य योगियों की कहानी है, एक छोटा शिष्य और एक बड़ा शिष्य। ये भारत की बहुत ही पुरानी कहानी है, जो कि हर गुरु ब्रह्मचर्य आश्रम में शिष्य को ये कहानी सुनाया करते थे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हिमालय में एक आश्रम गहरा था, जो सुंदर बर्फ से ढकी चोटियों और क्रिस्टल के साफ बहते पानी से घिरा हुआ था। प्रधान गुरु एक स्वयंभू आत्मा थे, जो बहुत दयालु और सज्जन थे, और उनके कई शिष्य थे। कुछ शिष्य वरिष्ठ शिष्य थे और लंबे समय से गुरु के साथ थे, और कुछ घनिष्ठ शिष्य थे और अभी परीक्षण शुरू कर रहे थे। सभी शिष्य ने ब्रह्मचर्य साहित आश्रम में कड़े अनुशासन का पालन किया। गुरु अपने शिष्य को अपने शिक्षा का प्रसार करने के लिए विभिन्न गांवों में भेजते थे। एक बार उन्होंने प्रवचन देने के लिए एक वरिष्ठ शिष्य और एक गणेश शिष्य को एक साथ गांव के पास भेजा। दोस्तों, आश्रम से वापस आते समय वे एक नदी के पास आए, जिस नदी को उन्होंने पार करना था। हिमालय से कमर गहरे पानी के साथ नदी बह रही थी। दोस्तों, जब ये दो शिष्य नदी में उतरने वाले थे, तो उस दौरान इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सुंदर युवती को देखा। उसने अनुरोध किया कि वे उसे नदी पार करने में मदद करें, क्योंकि वे तैर नहीं सकती और नदी की पानी से डरी हुई थी। दोस्तों, छोटे शिष्य ने अपने गुरु के हर समय माने जाने के सख्त आदेश को याद किया था, लेकिन बड़े शिष्य ने एक पल बर्बाद किए बिना उस युवती को अपने कंधों पर चढ़ाने में मदद की और फिर उसे नदी के पार ले गया। दोस्तों, युवा शिष्य बहुत आश्चर्यचकित था और विश्वास नहीं करता था कि वरिष्ठ शिष्य ने वास्तव में एक लड़की को अपने कंधों पर उठाए हुए था। युवा शिष्य आश्रम में वापस यात्रा के दौरान बहुत शांत था, और वे लड़की को अपने कंधों पर ले जाने वाले इस वरिष्ठ शिष्य से छुटकारा नहीं पा सका। जब वे वापस आश्रम पहुंचा और अपने गुरु को गांव के बारे में बताया, वरिष्ठ शिष्य ने उनकी प्रवचन की मुकम्मल रिपोर्ट दी, अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और चले गए। युवा शिष्य हालांकि पीछे रह गए थे, क्योंकि वो अपने गुरु को बताना चाहते थे कि नदी में क्या हुआ था, और इन्होंने बताया कि वरिष्ठ शिष्य ने ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ दिया है। दोस्तों, इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हो मेरे प्यारे बच्चे, वरिष्ठ शिष्य ने लड़की को नदी के किनारे छोड़ दिया है। ये आप ही हैं जो अभी भी अपने दिमाग में आप उस लड़की को ले जा रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आपके मन का दृष्टिकोण और अनुशासन है। यह आपकी विचारों और भावनाओं की शुद्धता और इन मानसिक भावों पर आपका नियंत्रण है। दोस्तों, ये एक पुरानी भारतीय कहानी है, जो हर गुरु अपने शिष्य को सुनाया करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोग हमारी वीडियोस पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।